सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुखेंद्र, आप देख रहे हैं स्टेक। गाइज देखिए, आज मैं आप लोगों को कुछ इसी तरह का एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह का पिक्सेल एनिमेशन कहते हैं, पिक्सेल डेकोरेशन का एनिमेशन इफेक्ट ऐसे कहते हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और देखिए दोस्तों, इसी तरह का एनिमेशन आपको भी चाहिए तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा फीस देना पड़ेगा, तो कितना फीस मैं लूँगा वो मैं इंस्टाग्राम पर बताऊँगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा फीस मेरे को भेजना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसी तरह का एनिमेशन आपके साथ शेयर करूँगा। और देखिए दोस्तों, आपने किसी भी जगह पे इसी तरह का एनिमेशन देखा है, ठीक है, वो आपको करवाना है तो उसका भी वीडियो खींच के मेरे को भेज सकते हो। मैं उसका भी एनिमेशन इफेक्ट आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ मैंने कितना एनिमेशन इफेक्ट बना के रखा है। तो दोस्तों देखिए, इसको बनाते समय बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके इस तरह का एक एक इफेक्ट बनता है, ठीक है। तो जो मैंने बहुत सारा बना के रखा है, तो चलिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इसी तरह का और भी मैंने बहुत सारा इफेक्ट बना के रखा है, ठीक है। तो मैं सारा का सारा तो मैं प्ले करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह का इफेक्ट आपको भी लेना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा फीस देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा मैं वहाँ पर बताऊँगा और आपको एलईडी फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, मैंने जो फीस लूँगा, ठीक है, वो ज़्यादा तो नहीं लूँगा, मैं थोड़ी फीस लूँगा, क्योंकि दोस्तों इसको बनाते समय बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके इस तरह का एक एक इफेक्ट बनता है, ठीक है गाइस। और देखिए गाइस, इसी तरह का कुछ भी इफेक्ट आप कहाँ पर भी देखा है, ठीक है, तो उस तरह का इफेक्ट आपको बनाना है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे को उसका वीडियो खींच कर भेजिए, ठीक है, मैं उसका भी एनिमेशन बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए।